नहीं, फिजिकल वर्ल्ड ये वाली में होगा। देखो चलो अब हम क्या देख रहे थे बताइए लास्ट क्लास में। यूनिट्स देख रहे थे, पहला यूनिट्स एंड मेजरमेंट में यूनिट देख रहे थे। यूनिट में कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स स्टार्ट किए थे। प्रैक्टिकल यूनिट्स में क्या पढ़े थे अपन बताओ? फर्मी पढ़ लिए थे, एंगस्ट्रॉम पढ़ लिए थे, फिर है ना माइक्रोन हो गया था, फिर लाइट ईयर हो गया था, लाइट ईयर हो गया था है ना, यहां तक हो गया था मेरे ख्याल से। ये सब क्या है? देखो अगर स्मॉल मेजरमेंट करना है तो स्मॉल यूनिट यू चूज करोगे। अगर सेल का साइज मेजर करना है तो किलोमीटर चूज करोगे क्या? नहीं, छोटी यूनिट यूज करोगे ना। और अगर लार्ज मेजरमेंट करना है तो लार्ज यूनिट चूज करोगे, ठीक है ना। अगर आपको लार्ज मेजरमेंट करना है तो यूनिट भी क्या होनी चाहिए? लार्ज। आ रहा है क्या समझ में? जैसे यहां से अगर सन तक का डिस्टेंस आपको मेजर करना है तो मीटर किलोमीटर से भी काम नहीं चलेगा, थोड़ी बड़ी यूनिट होना चाहिए। बोलो क्लियर है ना? आ रहा है ना समझ में? ठीक है, तो हम कौन सी यूनिट यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि आपका मेजरमेंट स्मॉल है कि लार्ज। क्लियर है क्या पॉइंट? यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो इसलिए बहुत सारी यूनिट्स हैं। अच्छा प्रैक्टिकल यूनिट्स किसको बोलेंगे बेटा? प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होती है? जो ज्यादातर जो यूज होती है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, वो उनको हम क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल यूनिट्स। बोलो क्लियर है? और प्रैक्टिकल यूनिट्स का रिलेशन कहीं ना कहीं किससे होगा? या तो सीजीएस सिस्टम से होगा या तो एसआई से, क्योंकि ज्यादातर हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ज्यादातर जो हम वैल्यूज सॉल्व करेंगे वो या तो सीजीएस सिस्टम से रिलेटेड होगी या तो एसआई सिस्टम से। बोलो क्लियर है? तो अगर आपको प्रैक्टिकल यूनिट पता है तो आपको उसका रिलेशन भी पता होना चाहिए, या तो सीजीएस सिस्टम में, मतलब आपको उस प्रैक्टिकल यूनिट को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना आना चाहिए, या तो उस प्रैक्टिकल यूनिट को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्लियर है क्या? जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, 1 लीटर इज इक्वल टू बोलिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर क्या लिखते हैं? सीसी। सेंटीमीटर क्यूब किसका वॉल्यूम यूनिट है? वॉल्यूम का। बोलो क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में आपको जो है वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है, किसमें दिया है? लीटर में, तो क्या आप लीटर लेके क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्या? नहीं, क्योंकि लीटर ना ही सीजीएस यूनिट है ना ही एसआई यूनिट। आपको क्वेश्चन सॉल्व या तो सीजीएस में करना है या तो एसआई में, इसलिए आपको है ना लीटर क्या हो गई? प्रैक्टिकल यूनिट। क्योंकि ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वॉल्यूम जो यूज करते हैं वो किसमें यूज करते हैं? लीटर में। पेट्रोल भराने जाते हो तो लीटर में मांगते हो, कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हो तो किस में मांगते हो? लीटर में। आ रहा है ना समझ में? लेकिन लीटर इज नॉट द एसआई यूनिट और नॉर इट इज सीजीएस यूनिट, ये एक प्रैक्टिकल यूनिट है। तो इसका कहीं ना कहीं से रिलेशन होगा किसके साथ? या तो सीजीएस के साथ या तो एसआई के साथ। तो मैंने क्या रिलेशन बताया है? 1 लीटर कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। और सेंटीमीटर क्यूब क्या है? सीजीएस यूनिट ऑफ वॉल्यूम, सीजीएस यूनिट ऑफ वॉल्यूम। फिर हमने इसका रिलेशन किससे भी निकाला था? एसआई यूनिट से भी। किससे निकाला था? एसआई यूनिट क्या थी वॉल्यूम की? मीटर क्यूब। याद आ रहा है? फिर हमको हमने इसको कन्वर्ट किया था। क्लियर है ना पॉइंट? तो प्रैक्टिकल यूनिट्स जो है उनका यूज हम नॉर्मल डेली रूटीन में करते हैं, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल यूनिट्स को एसआई सिस्टम में या सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 1 लाइट ईयर का डेफिनेशन क्या बताया था बताइए? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। आ रहे क्या समझ में? अब 1 लाइट ईयर को मैं अगर एक यूनिट चूज करूंगा
तो ऑब्वियसली डिस्टेंस बहुत लार्ज होंगे, जो मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ वो क्या है, बहुत लार्ज। आ रहा है क्या समझ में? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वन लाइट ईयर तो बोलने से हो गया। चलो मान लो किसी प्लेनेट और है ना, प्लेनेट और अर्थ की डिस्टेंस है मान लो 20 लाइट ईयर, कितनी है? इसका क्या मतलब है? लाइट को यहां तक पहुंचने में कितना साल लगेगा? 20 साल। कितना साल लगेगा? 20 लाइट ईयर का मतलब क्या, वन लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करके, मतलब एक साल लगेगा ना लाइट को उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में, एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वैक्यूम में, उसको क्या बोलेंगे? वन लाइट ईयर। तो 20 लाइट ईयर क्या होगा? 20 साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वैक्यूम में, उतना डिस्टेंस किसके बराबर होगा? 20 लाइट ईयर के। आ रहा है ना समझ में? अब लेकिन हमको पता है कि भैया जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमको लाइट ईयर में नहीं सॉल्व करना, क्योंकि लाइट ईयर प्रैक्टिकल यूनिट है। क्लियर है क्या? सो व्हाट इज 20 लाइट ईयर? इट इज 20 टाइम्स ऑफ वन लाइट ईयर, यही है ना। और वन लाइट ईयर की का जो रिलेशन है मीटर से कितना था बताओ? वन लाइट ईयर की जगह क्या लिखेंगे? 9.46 × 10^15 मीटर। तो अब ये हमको डिस्टेंस मिल गया किसमें? मीटर में। किसमें मिल गया? क्योंकि हमने लास्ट ईयर लास्ट क्लास में रिलेशन देखा था कि वन लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.467 × 10^3। ये वन लाइट ईयर का रिलेशन था। अब लाइट ईयर क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट। तो आप सिर्फ लाइट ईयर का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। बोलो क्लियर है? आपको डिस्टेंस मीटर में फाइंड करना पड़ेगा या तो सेंटीमीटर में। तो मीटर का रिलेशन हमको पता है वन लाइट, और ये कैसे निकाले थे मैंने बताया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, याद आ रहा है? तो वन लाइट ईयर इज दिस मीटर, तो 20 लाइट ईयर कितना मीटर होगा? तो 20 टाइम्स ऑफ वन लाइट ईयर, तो वन लाइट ईयर को मीटर में कन्वर्ट करो। सो वन लाइट ईयर इज दिस मच मीटर। अब जो भी मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी? 20 लाइट ईयर की इन मीटर, इन मीटर। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको प्रैक्टिकल यूनिट्स का रिलेशन पता होना चाहिए, किसके साथ? या तो सीजीएस यूनिट के साथ या तो एसआई के साथ। समझ में आ रहा है? ऐसे ही जबरदस्ती प्रैक्टिकल यूनिट नहीं पढ़ना है उसको। अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर उसका रिलेशन आपको पता होना चाहिए, तब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो यूनिट है, अच्छा लाइट ईयर स्मॉलर यूनिट होगी डिस्टेंस की कि लार्जर? लार्जर है ना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो जब हमको लार्जर डिस्टेंस मेजर करना है तब यूज करेंगे। सो इट इज द लार्जर यूनिट ऑफ, ये लार्ज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट यूनिट है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट है। नंबरिंग क्या चल रही थी बेटा? हेडिंग था, नंबरिंग क्या था इसका? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट फिफ्थ, तो लिखेंगे डैश करके। इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस, MEAN मीन। इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। It is defined as the mean distance of the earth from the sun. One astronomical unit होती है 1.496 × 10^11 meter. लिख लेंगे। One astronomical unit is 1.496 × 10^11 meter. अब ये value आपको याद नहीं करना है, numerical में इसका use नहीं होता है। But फिर भी मैंने बताया था कि हर practical unit का या तो SI से relation होगा या तो CGS से, तो वो relation मैंने बताया है, ठीक है? लेकिन आपको इसको याद नहीं करना है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, बस आपको इसका डेफिनेशन ध्यान रखना है कि व्हाट इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको बोलते हैं हम? मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। आ रहा है ना समझ में? मीन मतलब एवरेज डिस्टेंस। एवरेज क्यों बोला गया बेटा? एवरेज डिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं यहां पर? गुड, क्योंकि सन से अर्थ की डिस्टेंस लगातार चेंज हो रही है। मान लो यहां पर है पास में, क्योंकि
अर्थ का जो पाथ होता है सन के अराउंड वो सर्कुलर नहीं है, वो इलिप्टिकल है। क्या है वो? इलिप्टिकल है। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है पॉइंट? तो कभी अर्थ सन के पास होता है तो कभी अर्थ सन से दूर होता है, डिस्टेंस लगातार चेंज हो रहा है, तो कोई एक फिक्स डिस्टेंस तो है नहीं, तो क्या निकालना पड़ेगा हमको? सभी डिस्टेंस का एवरेज, दैट इज मीन डिस्टेंस। क्लियर है क्या पॉइंट? सो इट इज डिफाइंड एज मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, और वो डिस्टेंस होता है 1.496 × 10^11 मीटर। अगर सन का पाथ, सॉरी अर्थ का पाथ सन के अराउंड अगर सर्कुलर होता तो डिस्टेंस फिक्स रहता, सर्कल का जो रेडियस होता है वो क्या होता है? कॉन्स्टेंट, मतलब डिस्टेंस क्या होता है? फिक्स होता है। समझ में आया क्या? नेक्स्ट लिखेंगे, चलो नेक्स्ट थोड़ा सा हम आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा अभी हमको छोटा सा पार्ट हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का रिवाइज करेंगे, 10 मिनट्स का रहेगा, ठीक है? उसमें कुछ एडिशनल चीजें मैं कराऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो देख, जैसे मान लो बेटा कोई लाइन ऐसी हॉरिजॉन्टल है, अगर ये लाइन रोटेट करती है, ठीक है, तो ये लाइन जो है कुछ एंगल बना रही है, कितना बना रही है? मान लो थीटा। कितना एंगल बनाई है लाइन? थीटा। लाइन पहले ऐसी थी, हॉरिजॉन्टल थी, अभी क्या की लाइन ने? रोटेशन की। एंगल तभी बनेगा जब कुछ रोटेशन होगा, तभी एंगल बनेगा, ठीक है? तो लाइन ने क्या किया? रोटेशन किया है। अब ये लाइन की टिप है, इसका टिप का पाथ क्या है? सर्कुलर। क्या है? आ रहा है क्या समझ में? लाइन गई फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, लाइन ऐसे रोटेट होके यहां से यहां गई, बोलो क्लियर है क्या? अगर इसके पाथ को मैं पूरा कंप्लीट करूं, किसके पाथ को? लाइन की टिप के पूरा पाथ अगर मैं कंप्लीट करूं तो शेप क्या मिलेगा मुझे? सर्कल। तो मैं बोल सकता हूं कि इस लाइन के टिप का पाथ क्या है? सर्कुलर। क्या है? सर्कुलर। इस पोर्शन को जो सर्कल का एक पार्ट है इसको आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्क। इसकी लेंथ को हम आर्क लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्क लेंथ। आ रहा है समझ में? लाइन की जो लेंथ होगी वो सर्कल का रेडियस हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं? लाइन की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी? सर्कल के रेडियस के। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है ना, ये हो गया सर्कल का सेंटर। ये क्या हो गया? सर्कल का सेंटर, ठीक है ना? क्योंकि लाइन जब घूम के ऐसा हो जाएगी तो लाइन ऐसे हो जाएगी घूम के, तो फिर टिप यहां पहुंच जाएगा लाइन, है ना? और ये एक एंड हो गया लाइन का और ये दूसरा एंड हो गया, तो एक एंड जो है वो बनाता है सर्कमफेरेंस और दूसरा एंड क्या बनाता है? सेंटर। क्या बनाता है? सेंटर। तो लाइन की जो लेंथ है वही हो जाएगा सर्कल का रेडियस। समझ में आ रहा है क्या? इन तीनों में रिलेशन होगा, है ना? जिसको नहीं पता है वो नोट करेंगे, फिर जब मैं ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करवाऊंगा तो फिर आपको पता चल जाएगा। और सो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। थीटा हमेशा किसमें होना चाहिए? रेडियन में। किसमें होना चाहिए? एल क्या है? लेंथ ऑफ दिस आर्क, लेंथ ऑफ दिस आर्क। और आर क्या है बेटा? रेडियस ऑफ सर्कल। जिसने लिख लिया है वो ना लिखे, जिसको पता है, जो नए स्टूडेंट है वो लिख लेंगे, क्योंकि इस चीज का अभी हम यूज करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ा दे रहा हूं, नहीं तो समझ नहीं आएगा, ठीक है ना? ठीक है क्या बेटा? आप एब्सेंट थे लास्ट क्लास में, बाहर गए थे? अभी एब्सेंट मत हो, है ना? अब रेगुलर क्लासेस चालू हो गई हैं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग देखिए हो सब मिली है ना? रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, आज भी मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, लेकिन लाइव क्लास की बात अलग है ना? ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा की, थीटा इज द एंगल, एंगल मेड बाय दिस लाइन। ये लाइन रोटेट कर रही है, लाइन जब ए से बी जा रही है तो कितना एंगल रोटेट करी? थीटा। ठीक है, थीटा हमेशा होना चाहिए रेडियन में। एल क्या है? लेंथ ऑफ द आर्क, और आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, थीटा की दो यूनिट होगी बेटा। अच्छा, ये वाला एंगल कौन सा होता है? प्लेन एंगल। कौन सा होता है? ठीक है,
तो ये प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल, और ज्यादातर हम प्लेन एंगल ही यूज करते हैं। तो नॉर्मल अगर मैं एंगल बोलूं तो भी क्या होगा, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल की दो यूनिट हो सकती है, एक डिग्री और दूसरा रेडियन। ठीक है, तो हमको कौन सा यूनिट यूज करना है, जब भी हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो हम यूनिट यूज करेंगे रेडियन। कौन सी यूनिट यूज करेंगे, डिग्री हम यूज नहीं करेंगे। एंगल की दो यूनिट, प्लेन एंगल की दो यूनिट, वन इज डिग्री अनदर इज रेडियन। जब भी आप न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज करोगे एंगल तो हमेशा उसमें रेडियन यूज करना, यूनिट कौन सी यूज करना है, रेडियन। आ रहा है समझ में? अब जल्दी से हम डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको बेटा एंगल डिग्री में दिया है और आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, तो हेडिंग क्या रहेगी, देखो एंगल इन डिग्री टू रेडियन। मतलब हम क्या सीख रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ एंगल, जो कि डिग्री से डिग्री में दिया उसको किसमें कन्वर्ट करना है हमको, रेडियन में। तो जो भी एंगल आपको डिग्री में दिया होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसे मल्टीप्लाई करेंगे बोलिए, पाई बाय 180 से। तो आपको मिल जाएगा एंगल रेडियन में, किसमें मिल जाएगा एंगल, नोट कर लेंगे। ठीक है, क्या जो नहीं पढ़े बच्चे वो नोट करेंगे, जो पढ़ चुके हैं वो तो पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, अगर आपको एंगल डिग्री में दिया है आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करिए, आपको एंगल रेडियन में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है क्या, जैसे अगर आपने क्वेश्चन पूछे कि भाई 60 डिग्री इज हाउ मेनी रेडियन, ठीक है 60 डिग्री कितना रेडियन होता है, तो अभी देखो ये किसका सिंबल है, डिग्री का। ऐसे ऊपर में छोटा सा सर्कल बना दिए तो किसका सिंबल हो गया, डिग्री का। तो आपसे पूछ रहे कि भाई 60 डिग्री कितना रेडियन है, तो हमको पता है कि अगर एंगल डिग्री में दिया है और रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो भी एंगल आपको डिग्री में दिया है उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो रेडियन में आएगी, किसमें आएगी, रेडियन। सो 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 कितना आएगा बोलिए, 60 और इधर नीचे 3, पाई बाय 3 क्या मिलेगा, पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन। समझ में आया क्या, एग्जांपल क्वेश्चन करके लिख लो, ये सॉल्व करने में नहीं दे रहा हूं मैं, फटाफट इसको रिवाइज करवा रहा हूं, ये जब हम एक बार फिर से रिवाइज फिर से पढ़ेंगे तो डिटेल में कर लेंगे। ठीक है, और ध्यान रखेंगे बेटा अगर एंगल रेडियन में होता है ना तो न्यूमरेटर में पाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पाई। अब इस पाई को सॉल्व मत करना, 22/7 करके सॉल्व मत करना, वो पाई के टर्म में रहता है। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जांपल क्वेश्चन, कि अगर आपको 90 डिग्री दिया है तो वो कितना रेडियन होगा, तो क्या करेंगे, फिर से डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे आप, 90 डिग्री जो भी एंगल डिग्री में दिया है उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करिए, इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगी वो रेडियन में आएगी। सो ये 90 और नीचे में 180 है तो नीचे में 2 आ जाएगा, कितना आ गया, पाई बाय 2 रेडियन। तो इस तरह से आप एंगल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। ठीक है क्या, यहाँ तक दूसरा देख लेते हैं। अभी तो हमने देखा एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, अब इसका इनवर्स भी देख लेते हैं, एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री लिख लेंगे इसको, एंगल फ्रॉम, अब अगर उल्टा करना है, अगर एंगल आपको रेडियन में दिया है और किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तो क्या करोगे आप, देखो एंगल इन रेडियन, जो भी एंगल रेडियन में दिया होगा उसको आप 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाय पाई से, तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगल इन डिग्री। क्लियर है क्या, समझ में आ गया।
अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी एंगल डिग्री में होता है उसमें पाई नहीं होता, और जो एंगल रेडियन में होता है उसमें पाई होता है, और कहां होता है? न्यूमरेटर में। तो अगर मुझे यहां पर एंगल इन डिग्री चाहिए, मतलब अपने को पाई को कैंसिल करना पड़ेगा, और यहां पर एंगल रेडियन में है तो यहां न्यूमरेटर में पाई है, तो ये पाई तभी कैंसिल होगा जब नीचे में क्या होगा? पाई। इसलिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 180 बाय पाई से। समझ में आया क्या? ठीक है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि भाई 2 पाई बाय 3 रेडियन इज हाउ मेनी डिग्री, बोलिए 2 पाई बाय 3 रेडियन इज हाउ मेनी डिग्री। तो अब की बार अपने को क्या करना है बोलिए? रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो रेडियन टू डिग्री का फॉर्मूला मैंने बताया, जो भी एंगल रेडियन में दिया होगा उसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो। तो ठीक है, एंगल दिया है आपको रेडियन में 2 पाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई, पाई पाई कैंसिल होगा, 360 टाइम्स 60 इनटू 2 कितना आएगा? 120। तो आंसर कितना आएगा? 120 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? आंसर कितना आएगा? 120 डिग्री। कैसे कन्वर्जन करना है, क्लियर हो रहा है ये? रेडियन टू डिग्री। एक और एक क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई बाय 4 रेडियन इज हाउ मेनी डिग्री, पाई बाय 4 रेडियन इज हाउ मेनी डिग्री। फिर से यहां पर आपको एंगल दिया हुआ है रेडियन में और आपको चाहिए डिग्री में, आपको एंगल दिया है रेडियन में, आपको चाहिए डिग्री में। अब देखो फिर से दिमाग लगाओ, पाई न्यूमरेटर में, पाई को कैंसिल करने के लिए डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? पाई। तो इसका मतलब पाई बाय 4 को अगर मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पाई तो कैंसिल नहीं होगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो गलत हो गया ना। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेगा तो पाई पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। 180 बाय 4 कितना आएगा? 45 डिग्री। समझ में आ गया क्या? क्लियर है कैसे करना है? ठीक है बेटा, चलिए तो आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा यहां तक आप लोगों को तो नए बच्चे समझ में आ गए, क्लियर है क्या? इधर आपको क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, 1 डिग्री किसको बोलेंगे बताओ? इसके अलावा मैं एंगल का डेफिनेशन भी पहले क्लियरली समझा चुका हूँ कि एंगल एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, लेकिन वो अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ जितना अभी हमको काम में आएगा। ठीक है, अभी और बहुत सारे चीज मतलब बताना था मुझे एंगल में, लेकिन वो मैं डिटेल में आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ा सा ही चीजें कवर की है इसमें, क्योंकि अभी हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, चलो तो 1 डिग्री क्या होगा बताओ? 90 डिग्री को अगर मैं 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, भाई ये 90 डिग्री, 90 डिग्री को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो हर एक पार्ट को क्या बोलूंगा? 1 डिग्री। क्या बोलूंगा? 1 डिग्री बोलूंगा। क्यों बोलो, क्लियर है? 90 डिग्री को मैंने 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो हर एक पार्ट में क्या बोलूंगा? 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ऐसे करके 90 पार्ट होंगे तो सबको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 90 डिग्री। बोलो क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं कि 1 डिग्री एक्चुअल में है ना 1/90 डिग्री होता है, मतलब 90 डिग्री का कितना पार्ट होता है, सॉरी 90 डिग्री का 90th पार्ट होता है, कितना पार्ट होता है? तभी तो 90/90 कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। आ रहा है क्या समझ में? सो 1 डिग्री जो होता है 90 डिग्री का 90th पार्ट होता है। समझ में आ रहा है? मतलब बहुत छोटा एंगल है, समझ में आ रहा है ना? अब अगर हम वन डिग्री को मान लो ये एंगल है बेटा 1 डिग्री,
है, होता तो इससे भी बहुत छोटा है लेकिन आपको दिखेगा नहीं फिर। तो 1 डिग्री को अगर मैं 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, कितने पार्ट्स में, 60, कितने पार्ट्स में, तो हर एक पार्ट को मैं बोलूंगा 1 मिनट। क्या बोलूंगा? 1 मिनट। हर एक एंगल को क्या बोलूंगा? 1 मिनट। आ रहा है क्या समझ में? क्लियर हो रहा है पॉइंट? ठीक है, तो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ऐसे कितने मिनट्स होंगे जो 1 डिग्री बनाएंगे? 60 मिनट्स। तो हम बोल सकते हैं क्या कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 60 मिनट्स के। बोल सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। आ रहा है क्या समझ में? क्योंकि 1 डिग्री को मैंने 60 पार्ट में डिवाइड किया और हर एक पार्ट को 1 मिनट बोला, तो क्योंकि हर एक पार्ट को 1 मिनट बोला है और ऐसे कितने पार्ट से मिलके 1 डिग्री बन रहा है? 60, तो टोटल कितने मिनट्स होंगे? 60। आ रहा है क्या समझ में? तो हम बोल सकते हैं कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 मिनट क्या होगा? 1 डिग्री का 60वां पार्ट, 1/1 degree by 60, तो ये 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? बोलो क्लियर है? मतलब 1 मिनट और छोटा एंगल होगा, 1 मिनट 1 डिग्री से भी और छोटा होगा। क्लियर है ना? और ये रिलेशन समझ में आ गया, 1 डिग्री इज 60 मिनट्स। क्लियर है क्या पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। अब हम एक काम करते हैं, कि 1 मिनट को और फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगेन 1 मिनट और छोटा होगा लेकिन मैं इतना दिखा रहा हूं ताकि आपको दिखे, ठीक है? 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हर एक पार्ट को बोलेंगे 1 सेकेंड। देखो ये 1 के बाद मैं एक सिंगल डैश लगा रहा हूं तो मिनट का सिंबल है। किसका सिंबल है? मिनट का, ठीक है? और अगर मैं डबल डैश लगाऊंगा तो वो किसका सिंबल है? सेकेंड का। समझ में आ रहा है? सो अगर मैं फिर से समझो, अगर मैं 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो हर एक पार्ट को मैं क्या बोलूंगा? 1 सेकेंड। इसका मतलब 1 मिनट के अंदर कितने पार्ट्स हैं 1 सेकेंड की? 60। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। समझ में आ रहा है क्या? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। क्लियर है क्या पॉइंट यहां तक? ठीक है, तो फिर से देख लो, 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। सो 1 मिनट, सॉरी 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। सो 1 सेकेंड कितना होगा? 1 मिनट डिवाइडेड बाय 60। इसका मतलब 1 सेकेंड जो है वो 1 मिनट का 60th पार्ट है। 1 सेकेंड जो है वो 1 मिनट क्या क्या है? 60th पार्ट। आ रहा है क्या समझ में? ये और छोटा एंगल है, क्लियर है? अच्छा, यहां पर मुझे 1 मिनट का डिग्री से रिलेशन पता है, 1 मिनट इज 1 degree by 60। यहां पर मुझे 1 सेकेंड का 1 मिनट से रिलेशन पता चल गया, लेकिन 1 मिनट की जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 मिनट की जगह 1 degree divided by 60। ये मैं लिखा सिर्फ 1 मिनट की जगह, नीचे में एक और 60 है कि नहीं? बोलो नीचे में एक और 60 है, नहीं है? समझ में आ रहा है ना सबको? तो क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1 सेकेंड का यहां से मैं क्या रिलेशन, किसके साथ रिलेशन निकाल रहा हूँ? डिग्री के साथ। सो 1 सेकेंड इज 1 degree divided by 3600। तो 1 डिग्री का 3600th पार्ट वो क्या है? 1 सेकेंड। समझ में आया क्या रिलेशन? क्लियर हो रहा है सबको? पक्का? ठीक है, तो आप लोग ये लिख लीजिए, 1 डिग्री इज 60 मिनट। या फिर 1 मिनट इज इक्वल टू 1 degree divided by 60। क्लियर है पॉइंट? लिख लेंगे इसको, डब्बे में बंद कर लेंगे। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, यहां तक तो ठीक है। उसके अलावा देखो, 60 सेकेंड इसके बराबर होगा 1 मिनट के, ठीक है ना? 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। सो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट डिवाइडेड बाय 60, और इट इज इक्वल टू
वन मिनट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 degree by 60, और एक और नीचे में 60 है, ठीक है। सो देयरफोर 1 degree divided by 3600, तो हम बोल सकते हैं कि 1 second होता है 1 degree divided by 3600। ठीक है, क्या नहीं है समझ, कहां से नहीं है, ये भी नहीं है बेटा। बेटा 60 मिनट अगर 1 degree के बराबर है, ये क्लियर था कि नहीं, तो फिर 1 minute किसके बराबर है, 1 divided by 60 नहीं होगा क्या? इसको अगर मैं 1 करूंगा तो ये 60 नीचे नहीं आ जाएगा, नहीं है आएगा ना। तो 1 minute, और मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूं कि 1 minute एक्चुअल में क्या है, 1 degree का 60th पार्ट है, आ रहा है क्या समझ में? सो इट इज 1 degree divided by 60। अभी क्लियर हुआ? फिर अब यहां पर देखो, यहां पर फिर मैंने क्या रिलेशन बताया कि 1 minute को 60 पार्ट में डिवाइड करोगे तो हर एक पार्ट को क्या बोलोगे, 1 second। तो 1 minute के अंदर में कितने पार्ट्स हैं, 1 second वाले 60 पार्ट्स हैं, तो हम बोल सकते हैं ना कि 60 सेकेंड बराबर कितना होगा 1 minute, या उल्टा बोलो 1 minute बराबर 60 सेकेंड, ये और छोटा एंगल है सेकेंड, समझ में आ रहा है क्या? तो जब 60 सेकेंड 1 minute है तो 1 second कितना होगा, 1 divided by 60 करोगे, 1 minute divided by 60, आ रहा है क्या समझ में? इसका मतलब यहां से क्या समझ में आ रहा है कि 1 second जो है वो 1 minute का 60th पार्ट है, 60वां पार्ट है, समझ में आ रहा है। फिर हमने ये भी पढ़ा था रिलेशन में कि भाई 1 minute बराबर 1 degree by 60, तो यहां पर मैं 1 minute की जगह 1 degree by 60 किया, और नीचे में एक और 60 तो है ही ना, तो इसलिए कितना हो गया 3600। तो यहां से मैंने सेकंड का, है ना, यहां पर मैंने मिनट को हटा के डिग्री में लिखा, इसका मतलब मैंने सेकंड का रिलेशन निकाला डिग्री के साथ, तो 1 minute इज इक्वल टू 1 degree divided by 3600। बोलो क्लियर है? तो 1 degree का 3600th पार्ट है 1 second, मतलब अगर आप 1 degree को 3600 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, इक्वल पार्ट्स में, तब जाके एक पार्ट को क्या बोलोगे, 1 second, समझ में आ रहा है क्या? इतना छोटा एंगल है, क्लियर है पॉइंट? सो 1 degree तो छोटा एंगल है ही, लेकिन 1 minute उससे भी छोटा एंगल है, और 1 second बहुत छोटा एंगल है, ठीक है क्या? चलो अब देख लेते हैं कुछ रिलेशन, हमको पता है, नोट पॉइंट लिखेंगे, एज 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन, ये सबको पता है 360 डिग्री कितना रेडियन होता है, 2π रेडियन। कैसे निकालेंगे, अभी मैंने सिखाया है कि अगर एंगल डिग्री में दिया हो, जैसे कि हमको 360 को फाइंड करना है रेडियन में, तो इनटू क्या करेंगे, π/180, तो ये 180 से ऊपर बचा 2, तो कितना आ जाएगा 2π, तो 360 डिग्री कितना रेडियन होगा, 2π। कैसे आया, क्लियर हुआ? ठीक है, तो 1 डिग्री कितना रेडियन होगा बोलो, 2π/360, होगा कि नहीं होगा ऐसा, 1 degree is equal to 2π/360। अब यहां पर अपन पाई की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू होती 3.14 या 22/7 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री रेडियन, लिखो यहां तक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है बेटा 1.745 × 10^-2 रेडियन, 1.745 × 10^-2 रेडियन। ये सबको लिखना है अब, है ना, ठीक है। कन्वर्जन कैसे हुआ समझ में आया, 360 डिग्री 2π रेडियन होता है, तो 1 डिग्री कितना हुआ, 2π/360 रेडियन, पाई की जगह रखोगे आप 3.14, जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी फिक्स वैल्यू है,
ठीक है, इसको सॉल्व किया जा चुका है, इसकी वैल्यू 1.745 इनटू 10 पावर माइनस 2 रेडियन है। तो हमारे जो फाइनल जो हमको ध्यान रखना है वो ये है कि 1 डिग्री इज हाउ मेनी रेडियन, 1.745 इंटू 10 की पावर माइनस 2 रेडियन, और ये कैसे आया है मैंने बता दिया, लेकिन आपको ये याद रखना है क्योंकि इसको सॉल्व करने बैठोगे तो टाइम लगेगा, ठीक है ना। ठीक है, कई बार हमको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो 1 डिग्री इज दिस मच रेडियन। कैसे आया, समझ में आया सबको बेटा? इधर क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आया सबको? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये याद रखना है ना, MTR कर लेंगे इसको, मारेंगे टोटल रट्टा मारेंगे। ठीक है सर, कैसे कौन से फॉर्मूले से? तो उसी से तो किए हैं। ये जो 360 डिग्री 2 पाई रेडियन कैसे आया है, 360 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किए तभी तो आया ना। लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं कि 1 डिग्री कितना रेडियन होगा, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, 1 डिग्री कितना रेडियन होगा, ये निकाल रहे हैं ना। सो 1 डिग्री इज हाउ मेनी रेडियन, 1.745 इंटू 10 पावर माइनस 2। बोलो क्लियर है क्या? और अब यहां पर हमने पाई को भी सब्स्टिट्यूट किया, पाई की भी वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है क्या बेटा? जनरल जो आपको आएगा 30 डिग्री इज हाउ मेनी रेडियन, तो वैसे ही करके निकालोगे पाई बाय 180। यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि 1 डिग्री कितना रेडियन होता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। हमको पता है कि 1 डिग्री इज, नेक्स्ट नोट पॉइंट रहेगा है ना, फिर हम आगे बढ़ रहे। इसको आप लोग डब्बे में बंद कर लेंगे और MTR लिखेंगे। ठीक है, MTR का फुल फॉर्म है मारो टोटल रट्टा, रट्टा मारना है आपको यहाँ पर। ठीक है, रट्टा मारना है मतलब याद करना है, प्रोसीजर में नहीं जाना है क्योंकि सॉल्व करने बैठोगे तो टाइम लगेगा। ठीक है चलो, अब अपने को पता है 1 डिग्री जो कि किसके बराबर है, 60 मिनट के, किसके बराबर है वो, इतना रेडियन होता है। 1 डिग्री लिखूं या 60 मिनट, दोनों का मतलब क्या है, सेम। 1 डिग्री और 60 मिनट इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10 की पावर माइनस 2 रेडियन। ये क्लियर है क्या? यही है ना, 1 डिग्री, अभी तो रिलेशन निकाला 1 डिग्री इज दिस रेडियन, लेकिन मैं 1 डिग्री को 60 मिनट लिख सकता हूं कि नहीं? अभी तो हमने रिलेशन निकाला ना, 1 डिग्री इज हाउ मेनी मिनट, 60 मिनट। तो चाहे लिखूं मैं 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस मच रेडियन या 60 मिनट इज इक्वल टू दिस मच रेडियन, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम। आ रहा है ना समझ में? फिर से मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेता हूं क्योंकि अब मुझे डिग्री से मतलब नहीं, अब मैं देखना चाहता हूं कि 1 मिनट कितना रेडियन होता है। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10 की पावर माइनस 2 रेडियन लिख सकता हूं। 60 मिनट इज इक्वल टू, हाँ हाँ सिंगल लगेगा, ठीक गुड। ठीक है क्या? ठीक है, सेकंड लिख लिया था मैं। सो 1 डिग्री इज 60 मिनट। ठीक है, तो 60 मिनट या 1 डिग्री इतना रेडियन है, तो अब मैं लिख रहा हूं 60 मिनट इज दिस मच रेडियन, तो यहां से 1 मिनट कितना रेडियन होगा बोलिए। तो यहां से अगर मुझे 1 मिनट निकालना है तो इट इज 1.745 इंटू 10 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 60। करेंगे कि नहीं? ठीक है, लिख लो इसको। इसको जब सॉल्व करते हैं तो आता है बेटा 2.91 इंटू 10 की पावर माइनस 4 रेडियन। ठीक है, तो यहां से फाइनल जो हमारा आया कि 1 मिनट इज इक्वल टू 2.91 इंटू 10 की पावर माइनस 4 रेडियन, ये फाइनल आया। ठीक है, इसको MTR कर लेंगे, रट्टा मारना है इसको। मिनट का रेडियन से रिलेशन निकल रहा है। ठीक है, मिनट का रेडियन से रिलेशन है बेटा, समझ में आया कैसे आया ये? क्लियर है सबको?
हमने निकाला कि भैया 1 डिग्री इज दिस मच रेडियन, लेकिन 1 डिग्री की जगह मैं 60 मिनट लिख सकता हूं, सो 60 मिनट इज दिस मच रेडियन, सो 1 मिनट इज दिस मच रेडियन डिवाइडेड बाय 60। तो ये हमको रिलेशन मिल गया कि 1 मिनट कितना रेडियन होता है, समझ में आ रहा है। अब हम अगला रिलेशन निकालेंगे कि 1 सेकंड कितना रेडियन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट नोट पॉइंट, बेटा जो जो काम का है वो तो पढ़ना पड़ेगा ना, इसलिए टेंशन मत लो, ठीक है। कुछ कुछ जगह तो हमको याद करना पड़ेगा, और अगर आप टफ टफ चीजों को छोड़ दोगे या जहां पर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है अगर आप उसको छोड़ दोगे तो ज्यादातर यही होता है कि वही पोर्शन नीट में आता है जो आपको अनकंफर्टेबल लगता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों करना, आपको सब पढ़ना चीजों सिलेबस में, ठीक है क्या। चलो आगे बढ़ते। सो 1 मिनट की जगह मैं 60 सेकंड लिख सकता हूं, क्या बोलिए। देखो यहां 1 मिनट इज इक्वल टू नेक्स्ट, अब नेक्स्ट फिर से नया नोट पॉइंट रहेगा ना। अभी निकाला हमने 1 मिनट इज दिस मच रेडियन, सो 1 मिनट व्हिच इज आल्सो इक्वल टू 60 सेकंड इज इक्वल टू 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन। समझ में आ गया क्या, क्लियर है ना ये। 1 मिनट व्हिच इज आल्सो इक्वल टू 60 सेकंड इज इक्वल टू दिस मच रेडियन। तो यहां से 1 सेकंड है ना, फिर से लिख देता हूं, 60 सेकंड इज इक्वल टू दिस मच रेडियन 2.91 × 10⁻⁴। अभी मैं मिनट को हटा दिया क्योंकि मिनट का काम अभी मेरे को नहीं है, तो मैं ये वाला रिलेशन लिख रहा हूं कि 60 सेकंड बराबर दिस मच रेडियन। क्लियर है क्या पॉइंट। तो 60 सेकंड इतना रेडियन है, तो 1 सेकंड कितना होगा बोलो, 2.91 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 60 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहां से आ रहा है बेटा 1 सेकंड आ रहा है 4.85 × 10⁻⁶ रेडियन। ठीक है क्या बेटा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये इसमें भी आप लोग इसको डब्बे में बंद कर लेंगे, और यहां भी आप लोगों को MTR लिखना है, ठीक है, रट्टा मारना है। तो ये तीनों रिलेशन आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब ये आया कैसे, ये मैंने बता दिया है लॉजिक, ठीक है, लेकिन आप सॉल्व करते रहोगे तो टाइम लग जाएगा, तो इसलिए आपको सीधा याद रखना है, ठीक है। ठीक है, चल 2 मिनट में याद कर लो जल्दी से, एक बार थोड़ा सा तीनों रिलेशन को ध्यान रखो। 1 डिग्री इज हाउ मेनी रेडियन, 1 मिनट इज हाउ मेनी रेडियन, एंड 1 सेकंड इज हाउ मेनी रेडियन। एक बार थोड़ा सा ध्यान से उसको याद करने की कोशिश करो। ठीक है क्या, Thank you.
हो गया बेटा। चलो अभी देखो समझो, अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये कोई एक पोर्शन है, सर्कल का ये कोई पोर्शन है, ये यहां सेंटर में कितना एंगल, ऐसा भी बोलते हैं कि ये सेंटर में कितना एंगल बना रहा है, थीटा। सेंटर में कितना एंगल बना रहा है, थीटा। सर्कल का ये पोर्शन, ठीक है, ये हो गया एल, ये हो गया, दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। बोलो क्लियर है क्या? ये हमने देखा था रिलेशन, क्या रिलेशन देखा था बोलो, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। अब पॉइंट को थोड़ा पीछे खींचो, मतलब ये रेडियस को अगर हम बढ़ा दें, रेडियस को क्या कर दें, बड़ा कर दें, है ना। रेडियस अब इतना हो गया क्योंकि अगर, है ना, इसको मैं सेंटर मान रहा हूँ तो रेडियस बढ़ गया। अब मुझे देखना कि इस पॉइंट पर ये वाला आर्क कितना एंगल बना रहा है। तो मान लो ये एंगल है थीटा डैश, ये क्या एंगल, थीटा डैश। तो थीटा डैश बड़ा होगा कि थीटा बड़ा होगा, थीटा बड़ा होगा ना, क्योंकि देखो एल तो उतना ही है, एल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्या चेंज हो रहा है, रेडियस, रेडियस बड़ा हो गया। तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, कम। बोलो क्लियर है? तो थीटा कम हो गया ना। और थोड़ा पीछे जाओगे तो ये एंगल और छोटा होगा, आ रहा है क्या समझ में? तो जितना रेडियस जितना बड़ा होते जाएगा, या बोलो सेंटर जितना पीछे जाते जाएगा, एंगल उतना छोटा होते जाएगा। ये क्लियर है ना? क्योंकि लेंथ ऑफ द आर्क क्या है, फिक्स है, बचा क्या, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, बड़ा है। अब सपोज करो कि मान लो यहां पर अर्थ है और यहां पर मान लो मून है, यहां पर मान लो क्या है, मून है। मून पे ये मान लो अर्थ का पोल है, तो यहां से यहां तक अर्थ का क्या हो गया, डायमीटर, क्या हो गया अर्थ का। अब इसी को मैं ऐसा थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल। और जो अर्थ का जो डायमीटर है वो किसके जैसा एक्ट कर रहा है ना, अगर मैं बोलूं भाई ये है ना अर्थ का एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ये दोनों मिलके मून से कितना एंगल बनाएंगे, मून से कितना एंगल बनाएंगे। तो मून किसकी तरह एक्ट कर रहा है, सर्कल के सेंटर की तरह, किसकी तरह एक्ट कर रहा है, सर्कल के। और मून और अर्थ की ये जो डिस्टेंस है ये किसकी तरह रिएक्ट कर रही है, सर्कल के रेडियस की तरह, किसकी तरह, सर्कल के, आ रहा है क्या समझ में। और ये किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, लेंथ ऑफ द आर्क के, लेंथ ऑफ द आर्क के। तो अगर मैं लेंथ ऑफ द आर्क निकाल लिया, मतलब क्या निकाल लिया, आर्क का डायमीटर, क्या निकाल लिया, आर्क का डायमीटर, समझ में आ रहा है। तो इसको अपन लेंथ ऑफ द आर्क मान लिए, लेंथ ऑफ द आर्क, आ रहा है समझ में, फिर से, है ना। और मान लो ये एंगल जो बन रहा है मून पे, जो एंगल बन रहा है, अर्थ जो एंगल बना रहा है, अर्थ के जो दोनों एंड्स है जो एंगल बना रहे वो है मान लो थीटा, क्या है। तो अगर मुझे एंगल पता चल जाए, आर नहीं पता चल जाए, तो मैं अर्थ का क्या निकाल सकता हूँ, डायमीटर। या उल्टा, अगर मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाए और एल पता चल जाए तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, ये एंगल। या एंगल पता है और अर्थ का डायमीटर पता है तो क्या निकाल सकता हूँ, रेडियस। रेडियस मतलब मून और अर्थ की डिस्टेंस, रेडियस मतलब मून और अर्थ की, आ रहा है क्या समझ में, क्लियर है पॉइंट। अब इमेजिन करो यहाँ कोई सैटेलाइट होगी, क्या होगी, है ना, यहां पर भी अर्थ के दोनों एंड्स कुछ ना कुछ एंगल बनाएंगे। ये एंगल है मान लो थीटा और ये एंगल है मान लो थीटा डैश, कौन सा एंगल बड़ा होगा, थीटा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द आर्क तो उतनी है, सर्कल का रेडियस क्या हो गया, यहां पर छोटा हो गया और यहां पर क्या हो गया, बड़ा। आ रहा है क्या समझ में, लेंथ ऑफ द आर्क तो अभी भी उतनी है कि अर्थ के दोनों पॉइंट्स मिलके सैटेलाइट में कितना एंगल बना रहे, तो कैसे निकालोगे, एंगल निकालने का तरीका लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। अब सर्कल का रेडियस सैटेलाइट के केस में छोटा हो गया, सैटेलाइट के केस में क्या हो गया, छोटा हो गया। आ रहा है ना समझ में, इसको अपन नहीं है बेटा, इसको अपन आर्क के जैसे लेंगे, इसको कंप्लीट करोगे तो ये वाला सर्कल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सेंटर हो गया, जहां पर जिस पॉइंट पर एंगल निकालना है वो पॉइंट अब सेंटर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सेंटर। समझ में आ रहा है क्या, इसका क्या मतलब होता है कि
जैसे जैसे अर्थ से आप दूर जाते जाओगे जो एंगल होगा वो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। क्या होता जाएगा, आ रहा है क्या समझ में? जो स्टार्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, मून तो बहुत पास है, स्टार्स तो बहुत दूर है, तो उनके लिए आर्क लेंथ तो वही रहेगी लेकिन रेडियस बहुत बड़ा हो जाएगा। बोलो क्लियर है? और रेडियस बहुत बड़ा होगा तो ये एंगल बहुत छोटा होगा। ये इतना छोटा एंगल होता है कि ये सेकेंड्स में होता है, किस में होता है, सेकेंड्स। आ रहा है क्या समझ में? डिग्री में भी नहीं होता है कई बार, किस में होता है, सेकेंड्स। क्लियर हो रहा है पॉइंट? पक्का? मतलब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग एस्पेक्ट बता रहा हूँ, आपको चीजों को एज इट इज नहीं रटना चाहिए, उसको और कैसा सोच सकते हैं उसके हिसाब से सोचना चाहिए, ठीक है क्या? नेक्स्ट अब हम अब अपने मेन टॉपिक में आएंगे जो चल रहा था हमारा। प्रैक्टिकल यूनिट हमने पढ़ लिया था, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा? अब हम प्रैक्टिकल यूनिट्स को कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट है कौन सा नंबर होगा, सिक्स, पारसेक। लिखेंगे पारसेक। देखो चाहूं तो मैं सब चीज रटा सकता हूँ लेकिन वो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना? तो चीजों को समझ के करोगे तो माइंड में रहेगा, ठीक है? अब पारसेक का डेफिनेशन आपको समझ में आएगा क्योंकि आपने थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है। तो पारसेक या ब्रैकेट में लिखेंगे पैरालैक्टिक सेकेंड, पैरालैक्टिक सेकेंड, पारसेक या फिर पैरालैक्टिक सेकेंड। देखो यहां पर भी हमको कंफ्यूजन लग रहा है, सेकेंड से क्या लग रहा है, किसकी यूनिट है बोलो, टाइम की लग रहा, तो ऐसे ही है ना, परसेप्शन क्या बिल्ड हो रहा है, सेकेंड आ रहा है मतलब किसकी यूनिट लग रही है, टाइम की, बट इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है? डैश करके लिखेंगे, इट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी समझ रहे ना, सन से मून है ना, अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है ना, मतलब स्पेस के बारे में आप स्टडी करते हो, इट इज यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। क्लियर है पॉइंट? अब पारसेक का पहले रिलेशन, ऑब्वियसली पारसेक क्योंकि प्रैक्टिकल यूनिट है तो पारसेक का कुछ ना कुछ रिलेशन ऐसा यूनिट से होगा, और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। क्या है, मीटर। तो अभी हम देखेंगे कि वन पारसेक इज हाउ मेनी मीटर, तो लिख लेंगे आप लोग रिलेशन, वन पारसेक होता है 3.26 लाइट ईयर। वन पारसेक किसके बराबर होता है, 3.26 लाइट ईयर के बराबर, एंड इट इज इक्वल टू 3.08 इनटू 10 टू द पावर 16 मीटर। नोट कर लेंगे, ठीक है क्या? सो वन पारसेक, एक पारसेक में कितने लाइट ईयर है, 3.26, तो लाइट ईयर से तीन गुना बड़ी यूनिट है पारसेक। आ रहा है ना समझ में? वन पारसेक इज 3.26 लाइट ईयर, मतलब एक पारसेक में कितने लाइट ईयर है, 3.26, सो इट इज ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स बिगर यूनिट। वन पारसेक इज थ्री टाइम्स बिगर देन लाइट ईयर, और लाइट ईयर ऑलरेडी बहुत बड़ी यूनिट है डिस्टेंस की, उससे भी तीन गुना बड़ी यूनिट कौन सी है, वन पारसेक। बोलो क्लियर है? और उसका रिलेशन ये किस में है, मीटर में। फिर से याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट मैंने रिलेशन बताया है, ठीक है? आपको ना ही वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू याद रखना है, डेफिनेशन ध्यान रखोगे, क्या क्या ध्यान रखोगे, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की, किसकी यूनिट है ये याद रखोगे, उसका डेफिनेशन, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है क्या? अगला आ गया किसमें, पारसेक में, ठीक है? पारसेक
का पार्सेक के बारे में पहला पॉइंट तो ध्यान रखेंगे, इट इज लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो यहां से दोनों पॉइंट कवर हो गए कि इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड ऑल्सो इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। बोलो क्लियर है? फिर मैंने आपको ये रिलेशन बताया जो आपको यूज नहीं आएगा तो नहीं करना है, ठीक है? लेकिन इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, उसको लिखेंगे। वन पार्सेक किसके बराबर होगा? तो लिखेंगे वन पार्सेक इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। वन पार्सेक स्टार लगा के लिखेंगे क्योंकि हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। वन पार्सेक इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच। वन पार्सेक इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच एन आर्क ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच एन आर्क ऑफ द सर्कल कॉमा वन ए यू लॉन्ग। ऐसा लिखेंगे वन ए यू लॉन्ग। वन ए यू मीन्स वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लॉन्ग कॉमा सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। ब्रैकेट में लिखोगे 1 सेकेंड सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। पहले लिख लो फिर समझते हैं डेफिनेशन, ठीक है, कि वन पार्सेक क्या होगा। सो वन पार्सेक इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। वन पार्सेक उस सर्कल का रेडियस है, इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच जिसके सेंटर में एन आर्क ऑफ द सर्कल जिसकी लेंथ कितनी है, सर्कल के आर्क की कितनी लेंथ है, 1 AU। कितनी लेंथ है, 1 AU। मेक्स एन एंगल, सबटेंड्स मींस मेक्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। मेक्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। अभी मैं डायग्राम से बताऊंगा तो आपको और समझ में आएगा। फिर से डेफिनेशन को पढ़िए, टूटता है, देखो कोई टफ डेफिनेशन होता है ना तो उसको तोड़ा करो पार्ट पार्ट में, ठीक है, पार्ट पार्ट में तोड़ के समझो, ठीक है, समझो, इमेजिन करो, फिर मैं डायग्राम बनाता हूँ, पढ़ो उसको। 2-3 बार पढ़ने से कोई भी टफ डेफिनेशन क्लियर हो जाता है बेटा। पहला चीज ये क्लियर हो रहा है कि वन पार्सेक एक सर्कल के रेडियस को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? सर्कल के रेडियस, जिसके आर्क की लेंथ कितनी है, 1 AU लॉन्ग। कितनी है? 1 AU लॉन्ग, ठीक है। और वो आर्क उस सर्कल के सेंटर में कितना एंगल बनाना चाहिए, 1 सेकेंड। कितना एंगल बनाना चाहिए? बोलो क्लियर है क्या? सो इट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज आर्क लेंथ इज 1 AU लॉन्ग। 1 AU मतलब यहां अर्थ बना देता हूं और यहां क्या बना देता हूं, सन, क्योंकि 1 AU किसका किसका डिस्टेंस है, सन और अर्थ का। आ रहा है ना समझ में? हुज आर्क लेंथ इज 1 AU लॉन्ग subtends an angle of कितना, 1 सेकेंड। बोलो क्लियर है? तो एक ऐसा सर्कल होना चाहिए जिसकी आर्क की लेंथ होना चाहिए 1 AU और जो आर्क सर्कल के सेंटर में कितना एंगल बनाना चाहिए, 1 सेकेंड का। तो ऐसे सर्कल के रेडियस की जो भी वैल्यू आएगी उसको अपन 1 पार्सेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 पार्सेक। समझ में आ रहा है डायग्राम? क्लियर है? लिख लोगे यहां पर, बना लो इसको। सो आर इज इक्वल टू 1 पार्सेक। आर इज इक्वल टू 1 पार्सेक। बोलो अभी डेफिनेशन समझ में आ गया सबको बेटा? क्लियर हुआ डेफिनेशन? क्लियर हुआ ना? गुड। महक क्लियर हुआ? तो आपको यहां पर 1 सेकेंड पता होना था, चाहिए था, इसलिए मुझे 1 सेकेंड बताना पड़ा कि 1 सेकेंड क्या होता है। आगे भी हमको अभी 1 सेकेंड 1 मिनट का यूज आएगा, ठीक है। अभी हम आगे कुछ क्वेश्चन कुछ बनाएंगे तो उसमें आएगा, तो इसलिए हम पहले ही इसको सॉल्व कर लिए। अभी वो लगे ना बेटा, वो टाइम वाला सेकेंड तो यूनिट ऑफ टाइम है, अब खुद ही बोल रहे हो। और ये मैंने क्या, ये किसकी यूनिट होगी, एंगल की। ठीक है क्या?
टाइम वाला मिनट और टाइम वाला सेकंड अलग है ना बेटा, ध्यान रखना उसको, सेम मत समझना। इट इज द यूनिट ऑफ एंगल। बोलो वन पार्सेक का डेफिनेशन आप लिख लोगे बेटा, रटना नहीं है आपको, ऐसा समझना है कि आप खुद से भी लिख सकते हो ना। मेन अपना एम क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आया है तो आप उस चीज को खुद की लैंग्वेज में भी तो लिख सकते हो ना, वो भी तो सही होगा ना। आपको समझाना आना चाहिए बस चीजों को, ये टीचर को समझ में आना चाहिए कि आपको आ गया है। तो अगर आप समझ के करोगे तो भूलोगे नहीं कुछ भी, है ना। भले एग्जैक्टली ये वर्ड्स यूज नहीं करोगे लेकिन अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो ये हमने देखा प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंसेस, देखा कि नहीं। अब नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एरियाज, एरिया, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एरियाज। ठीक है, एरिया को मेजरमेंट करने की प्रैक्टिकल यूनिट्स। फर्स्ट लिखेंगे बार्न, बी ए आर एन, बार्न, ठीक है। बार्न जो है बहुत छोटी यूनिट है एरिया की, एरिया की बहुत छोटी यूनिट। ऑब्वियसली हम बहुत स्मॉल एरिया को मेजरमेंट करना होगा तो हम किसका यूज करेंगे, बार्न का। लेकिन ये बहुत छोटा है, इसकी मदद से हम न्यूक्लियस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेजर करते हैं। किसका, न्यूक्लियस का। आ रहा है ना समझ में, एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बहुत छोटा होगा, उसका लेंथ नहीं, हम उसका क्या मेजर कर रहे हैं, एरिया। क्या मेजर कर रहे हैं, एरिया। तो लिखेंगे डैश करके, इट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल एरिया, इट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल एरिया सच एज एरिया ऑफ न्यूक्लियस, सच एज एरिया ऑफ न्यूक्लियस। समझ में आया क्या, क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट यूनिट है जो सेकंड यूनिट लिखेंगे। पहली यूनिट हो गई फॉर मेजरमेंट ऑफ एरिया, सेकंड लिखेंगे एकड़, ए सी आर ई, एकड़ बोलते हैं ना बन, ठीक है, ए सी आर ई। तो इसका बस रिलेशन ध्यान रख लो, ऑब्वियसली क्योंकि प्रैक्टिकल यूनिट है तो इसका ऐसा यूनिट से रिलेशन होना चाहिए। तो लिख लेंगे वन एकड़ इज इक्वल टू 4047 मीटर स्क्वायर, वन एकड़ इज इक्वल टू 4047 मीटर स्क्वायर। अब एरिया के लिए, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ की यूनिट हो गई मीटर, लेकिन लेंथ इंटू लेंथ मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो इसलिए इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे हेक्टेयर, थर्ड लिखेंगे हेक्टेयर, लिखेंगे वन हेक्टेयर इज इक्वल टू 10^4 मीटर स्क्वायर, वन हेक्टेयर हो जाएगा 10^4 मीटर स्क्वायर, ठीक है क्या, वन हेक्टेयर इज इक्वल टू 10^4 मीटर स्क्वायर। फिर से तीनों का न्यूमेरिकल में यूज नहीं है, ठीक है, राहत की बात है, अच्छी बात है ना। देखो बेटा रिलेशन तो मुझे सब बताना पड़ेगा, लेकिन आपको मैं ये भी बताते चल रहा हूँ कि अपने सिलेबस में मतलब हमको किस किस का न्यूमेरिकल में यूज होगा और किसका नहीं होगा। तो बार्न का भी यूज नहीं होगा, एकर का भी यूज नहीं होगा, हेक्टेयर का भी यूज नहीं होगा। आ रहे हैं समझ में, तो नहीं करना है, याद नहीं करना है इस जगह। आपको क्या ध्यान रखना है, दीज आर द यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ एरियाज, ये ध्यान रखना है। हेक्टेयर से क्या यूज मेजरमेंट करोगे, एरिया। एकड़ किसकी यूनिट है, एरिया की। बार्न किसकी यूनिट है, एरिया की। बार्न इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ एरिया, इसकी मदद से हम एरिया ऑफ न्यूक्लियस मेजर करते हैं। बोलो क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे,
प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ मास, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ मास, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ मास, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ मास। अब पहले एक छोटी यूनिट लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे एटॉमिक मास यूनिट, फर्स्ट लिखेंगे। अभी आप लोग मोल कॉन्सेप्ट में आता होगा या केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे, पढ़ोगे अभी तक एटॉमिक मास यूनिट पढ़ोगे आगे, है ना? एटॉमिक मास यूनिट, या इसी को हम लिखते हैं AMU, शॉर्ट में लिखेंगे AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये बहुत छोटी यूनिट होती है मास की, इसकी मदद से हम प्रोटॉन, है ना, एटम्स, न्यूट्रॉन्स, इनका मास कैलकुलेट करते हैं इस यूनिट से, ठीक है? लिखेंगे इट इज यूज टू मेजर मास ऑफ एटम्स कॉमा प्रोटॉन्स कॉमा न्यूट्रॉन्स एटसेट्रा, इट इज यूज टू मेजर मास ऑफ एटम्स, इट इज यूज टू मेजर मास ऑफ एटम्स कॉमा प्रोटॉन्स कॉमा न्यूट्रॉन्स एटसेट्रा। क्लियर पॉइंट? तो ये बहुत छोटी यूनिट हो गई ना मास की। अब इसकी मदद से हम कोई भारी भरकम ऑब्जेक्ट का मास मेजर करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये छोटी यूनिट है, ठीक है? अब फिर से क्योंकि ये प्रैक्टिकल यूनिट है तो इसका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा किससे, एसआई से या फिर सीजीएस से। तो हम लिख लेते हैं 1 AMU होता है 1.66 × 10⁻²⁷ kg, लिख लेंगे 1. ये ऑलमोस्ट किसके बराबर हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन के, किसके बराबर है? तो मास ऑफ प्रोटॉन को ही 1 AMU माना गया है। समझ में आ रहा है पॉइंट, ठीक है ना? ठीक है बेटा, सो 1.66 × 10⁻²⁷ kg, ठीक है, पक्का? अच्छा बेटा, कुछ लोग कई बार पूछते हैं कि 1 feet इज हाउ मेनी मीटर, तो नोट कर लो, ये आपकी जानकारी के लिए, ऐसा कुछ ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगा। 1 feet अपन कई बार जमीन अमीन फिट में लेते हैं ना, स्क्वायर फिट में, सो 1 feet इज, लिख लो, नोट कर लो, ये नोट करके अलग से लिख लेना अपनी जानकारी, 0.3048 meter, 1 feet इज 0.3048 meter। बोलो क्लियर है? ठीक है क्या? चलो आगे बढ़ेंगे। अभी चल रहा है हमारा प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज, सॉरी फॉर मेजरमेंट ऑफ मास। इसमें पहले हमने स्मॉलर यूनिट देखी है, अब हम थोड़ा लार्जर यूनिट देखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट मास में ही पहला तो हो गया AMU, सेकेंड होगा, है ना, टन, TONNE, टन, या फिर इसी को मैट्रिक टन भी बोलते हैं। तो इसमें कोई ऐसा डेफिनेशन हमको ध्यान नहीं रखना है, बस इसका रिलेशन हमको ध्यान रखना है केजी के साथ। केजी में रिलेशन पता चल गया तो अपने आप ग्राम में भी निकाल सकते हैं, ठीक है? तो 1 ton = 1000 kg, लिख लेंगे 1 ton = 1000 kg, 1 ton = 1000 kg, ठीक है क्या? थर्ड लिखेंगे तो ये हो गया सेकेंड यूनिट ऑफ मास, थर्ड लिखेंगे क्विंटल, क्विंटल। ये सब प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं, ये सब आपने सुना भी होगा, है ना? जैसे बड़े बड़े, जैसे अगर शादियों में जैसे बनता है खाना तो क्विंटल में बनता है, ऐसा बात होती है ना, क्विंटल, ठीक है? तो ये क्विंटल में, क्विंटल मतलब लार्जर यूनिट ऑफ मास, तो क्विंटल हो जाता है 1 ton = 100 kg, 1 ton = 100 kg, क्लियर है पॉइंट? फोर्थ आता है बेटा स्लग, वन स्लग इज इक्वल टू 14.57 kg, वन स्लग
इज इक्वल टू 14.57 केजी। फिफ्थ आएगा पाउंड, फिफ्थ आएगा पाउंड, ठीक है। वन पाउंड या वन एलबी है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म बताया था मैंने, वन पाउंड या इसी को एलबी भी लिखते हैं, ठीक है। 0.4536 केजी, वन पाउंड इज इक्वल टू 0.4536 केजी, ठीक है क्या ना। पीडियाट्रिशियंस इनका इसका यूज करते हैं, ज्यादातर बच्चे जो होते हैं उनका वेट पाउंड में बताते हैं, सुने हो आप लोग है ना, पाउंड में, तो उसका रिलेशन आप लोग ध्यान रख सकते हो, न्यूमेरिकल में आपको यूज नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हम, अब मैं भी बता दूंगा किसको किसको न्यूमेरिकल में यूज करना है, ठीक है, किसको नहीं करना। सिक्स लिखेंगे चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट सी एस एल, चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है क्या, इसमें आपको वैल्यू नहीं ध्यान रखना है, आपको डेफिनेशन ध्यान रखना है कि इट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। क्या है ये, लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, तो लिख सकते हैं इट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, इट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, ठीक है। एंड वन सी एस एल ये होता है 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन, बोलो क्लियर है, बहुत बड़ी यूनिट है। सो वन चंद्रशेखर लिमिट इज 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन, तो हमको क्या ध्यान रखना है, ना ही इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखना है, इसका रिलेशन याद रखना है कि इट इज 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन, ऑल्सो क्या ध्यान रखना है इट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। अब चलो अब इसमें देख लो बेटा क्या क्या ध्यान में रखना है आपको, न्यूमेरिकली जो यूज हो सकता है, ठीक है। आपको एएमयू को याद रखना है, वो आपको केमिस्ट्री में भी यूज होगा, ठीक है। आपको टन को ध्यान रखना है, क्विंटल को ध्यान रखना है, ये दोनों यूज होता है न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो ये दोनों को हमको याद रखना है, स्लग को याद नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखना है स्लग इज द यूनिट ऑफ मास। पाउंड का रिलेशन याद नहीं रखना है, लेकिन क्योंकि अपना डेली लाइफ में इसका यूज होता है तो ये आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। चंद्रशेखर लिमिट में कोई न्यूमेरिकल नहीं ध्यान रखना है, इसका डेफिनेशन ध्यान रखना है और ये रिलेशन को ध्यान रखना है, बोलो क्लियर है यहां तक, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम। थोड़ा सा एक दो क्लास स्टार्टिंग की थ्योरेटिकल है बेटा, है ना, लेकिन जहां थ्योरी है वहां थ्योरी करना है। प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। फर्स्ट लिखेंगे सोलर डे, फर्स्ट लिखेंगे सोलर डे, सोलर डे या इसी को वन डे बोलते हैं ना, एक दिन, दिन भी किसका यूनिट है, टाइम का, लेकिन ये प्रैक्टिकल यूनिट है ना, ऐसा यूनिट भी नहीं है और सीजीएस यूनिट भी नहीं है, लेकिन ये रोजमर्रा में यूज होता है तो इसलिए कौन सी यूनिट हो गई, प्रैक्टिकल। सोलर डे लिखेंगे डैश करके, टाइम इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ, डैश करके लिखेंगे इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस सो दैट द सन अपीयर्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस सो दैट द सन अपीयर्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, इन द सेम पोजिशन इन द स्काई,
बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, मतलब वन सोलर डे को आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, वो कितना टाइम होता है, एक दिन मतलब है ना। आपको सन की किसी भी टाइम में आपको सन की एक पोजीशन देख लेना है। अब अगले दिन जब सन सेम पोजीशन पे आता है तो कितना टाइम निकल जाता है, 24 आवर्स। कितना टाइम निकल जाएगा, आ रहे समझ में? उस टाइम को ही हम वन डे बोलते हैं या वन सोलर डे। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे बढ़ेंगे, इसमें लिखेंगे वन सोलर डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। अब इसको हम मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। सो वन सोलर डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है क्या? नेक्स्ट देखेंगे सिडेरियल डे, एस आई डी ई आर आई ए एल, सिडेरियल डे, एस आई डी ई आर आई ए एल, सिडेरियल डे, डैश करके लिखेंगे। द टाइम टेकन बाय अर्थ टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, द टाइम टेकन बाय अर्थ टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस so that the distant stars appear in the same position, time taken by earth to rotate about its axis so that the distant stars appear in the same position in the sky, time taken by earth to rotate about its axis so that the distant stars appears in the same position in the sky। अब यहां पर हम टाइम जो है स्टार के बेसिस पे फाइंड करते हैं। किसके बेसिस पे? स्टार, कि बहुत दूर में एक स्टार है, वो सेम पोजीशन में जितने टाइम में आएगा दोबारा वही सेम पोजीशन में, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे? सिडेरियल डे। सिडेरियल डे सोलर डे से थोड़ा कम होता है क्योंकि डिस्टेंस में वेरिएशन है। ठीक है, तो लिखेंगे वन सिडेरियल डे इज इक्वल टू 23 आवर्स 56 मिनट्स। वन सिडेरियल डे कितना होता है? 23 आवर्स 56 मिनट्स। सिक्स वन सिडेरियल डे हो जाएगा 23 आवर 56 मिनट्स। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, सोलर ईयर। नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सोलर ईयर। सोलर ईयर डैश करके, इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द सन। इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ to complete one rotation around the sun in its orbit, it is the time taken by the earth to complete, and it is the time taken by the earth to complete one rotation around the sun in its orbit। ठीक है क्या? तो सन के अराउंड वन रोटेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, किसको? लेकिन अर्थ को सन के अराउंड वन रोटेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं वन सोलर ईयर। क्या बोलेंगे? वन सोलर ईयर। ठीक है ना बेटा, अर्थ का दो रोटेशन होता है, एक तो वो अपने एक्सिस के अबाउट भी घूमते रहता है और एक सन को एक्सिस मान के भी घूमते रहता है। बोलो क्लियर है? तो दो रोटेशन कंटिन्यू चलता है, एक तो अर्थ भी भौरे जैसे घूमते रहता है खुद भी और सन के अराउंड भी घूमते रहता है। बोलो क्लियर है? तो अपने एक्सिस को सेंटर मान के अगर सन घूम रहा है, ठीक है ना, हर रोटेशन का एक सेंटर होता है ना, और सेंटर से पास होने वाली लाइन को एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिस, है ना। तो ये लाइन हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये अपन रोटेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने एक्सिस के अराउंड भी घूमता है, तो अगर अपने एक्सिस के अराउंड एक चक्कर लगा लिया तो उसको कितना टाइम लगेगा? वन डे। कितना लगेगा? वन डे। आ रहा है ना समझ में?
और सन को एक्सिस मान के अर्थ का रोटेशन देख रहे हैं, तो सन के अराउंड अर्थ को एक चक्कर लगाने में लगता है एक साल का टाइम। कितना टाइम लगता है? एक साल। तो दो रोटेशन यहाँ एक साथ हो रहे हैं, समझ में आ रहा है पॉइंट? ठीक है, तो जितने टाइम में अर्थ जो है सन के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट करता है उसको हम बोलेंगे वन सोलर ईयर, या सिंपली वन ईयर भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अब वन सोलर ईयर का रिलेशन होता है, डेज से लिख लेंगे, वन सोलर ईयर बोल सकते हैं। क्या होता है रिलेशन? कितना दिन होता है? 365.25 डेज। बोलो क्लियर है क्या? एक साल जो होता है वो कितने का होता है? 365.25 डेज। वन सोलर ईयर इज इक्वल टू 365.25 सोलर डेज, या सिंपली अपन ने डेज लिखा है। समझ में आया? अब देखो बेटा, 0.25 तो ऐसा कोई दिन होता नहीं है, इसलिए हम साल का कितना दिन मानते हैं? 365। फिर 0.25 को चार बार ऐड कर दोगे तो एक दिन हो जाएगा। फिर वो जो ईयर होगा जिसमें साल में कितने दिन हो जाएंगे? 366, उसको क्या बोलते हैं? लीप ईयर। क्या बोलेंगे? क्या हुआ लीप ईयर, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे ल्यूनार मंथ। नेक्स्ट लिखेंगे ल्यूनार मंथ। डैश करके लिखोगे, इट इज द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। इट इज द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। इट इज द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। समझ में आया क्या बेटा? क्लियर है? तो यहां से वन ल्यूनार मंथ होता है, बोलो कितना होता है? 27.3 डेज। नोट कर लेंगे, वन ल्यूनार मंथ होता है 27.3 डेज। तो मून को अर्थ के अराउंड एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 27.3 डेज, जिसको हम वन ल्यूनार मंथ बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो नॉर्मल मंथ होता है वो अलग है। नॉर्मल मंथ को तो हमने 365 के डे के हिसाब से 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 30-31 ऐसा आते रहता है, ठीक है ना? तो वो अलग होता है। ये ल्यूनार मंथ है, वो नॉर्मल मंथ है। ल्यूनार मंथ और नॉर्मल मंथ सिंक नहीं होते, एक साथ नहीं चलते हैं, ठीक है ना? इसलिए मून के हिसाब से अगर आप मंथ देखोगे तो वो हमेशा अलग होगा, और हमारा जो नॉर्मल कैलेंडर होता है वो अलग होता है, ठीक है? समझ में आ रहे हैं? ठीक है क्या? नेक्स्ट लिखेंगे हम लास्ट शेक, SHAKE, शेक, शेक नहीं, दुबई वाला शेक नहीं, शेक। लिखेंगे डैश करके, इट इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। इट इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। इट इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। सो शेक जो है इट इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। फिर लिखेंगे वन शेक इज इक्वल टू 10^-8 सेकेंड। वन शेक होता है 10^-8 सेकेंड। बोलो क्लियर है यहां तक? फिर से आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए सोलर डे का, डेफिनेशन पता होना चाहिए सिडेरियल डे का, ठीक है? आपको सोलर ईयर का डेफिनेशन पता होना चाहिए, आपको ल्यूनार मंथ का डेफिनेशन पता होना चाहिए। भले आपको रिलेशन याद है या नहीं है वो चलेगा, कि वन ल्यूनार मंथ इज हाउ मेनी डेज, ये न्यूमेरिकल में यूज नहीं होगा, ठीक है आपको, लेकिन डेफिनेशन पता होना चाहिए।
और आपको ये पता होना चाहिए कि शेक जो है ये किसकी यूनिट है, टाइम की, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है बेटा? चलो यहाँ तक जल्दी से दो मिनट में रिवाइज करो फटाफट। तो मेनली अभी जो हमने भारी भरकम थ्योरी का बोझ, ठीक है, इस चैप्टर का ऑलमोस्ट हमने पढ़ाओ को पार कर लिया है। अब आगे जो हम बढ़ेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल्स भी चालू होगा। पहला चैप्टर ये वाला है, लेकिन आपका एनसीईआरटी में भी फर्स्ट है और आपके स्कूल में भी आता है, सिक्वेंसिंग से अपने को चलना है तो ये पढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल ज्यादा है, इसके बाद इतना थ्योरी तो किसी में नहीं है, ठीक है। बेटा अपने को ना थोड़ा क्लास में एक्टिव रहना, ठीक है। कुछ बच्चे ना बहुत मुंह उतार के बैठे रहते हैं, ठीक है, और सबके लिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा एक्टिव होके पढ़ो, खुश खुश रहो। पढ़ने का मतलब ये ना लाइफ अच्छी करना है, खुशी खुशी पढ़ो ना, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, ठीक है। आराम से रिलैक्स होके रहो, रिस्पॉन्सिव रहो, थोड़ा रिस्पॉन्स कम देते हो, ठीक है। बोलता मैं हूँ खाली और तुम लोग चुप रहते हो, या ऐसा ऐसा करके मुंडी लाते सर ही लाते हो बस, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, आपको भी थोड़ा सा लाउड रहना है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिव रहना है, अब गुस्से से नहीं देखना है टीचर को, ठीक है, आराम से थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा होता है सर दर्द होगा फिजिक्स में, लेकिन अब थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ फिजिक्स अगर अपने को अच्छा पढ़ना है तो थोड़ा तो होगा, लेकिन कोई भी चीज़ कितनी भी डिफिकल्ट हो अगर उसको बार बार आप करते हो तो आपके लिए ईजी हो जाता है, आप अपना लेवल अपग्रेड कर लेते हो, ठीक है। कोई चीज इजी और डिफिकल्ट नहीं होती, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका परसेप्शन क्या है और आप उसको कैसे लेते हो, ठीक है ना। ये तो रिलेटिव क्वांटिटी है ना, इजी और डिफिकल्ट क्या है, रिलेटिव है। अगर आपको समझ में आ गया कि टफ है जो आपको उसमें मजा आने लग गया, तो अब वो आपके लिए ईजी हो गया ना, उसका अगला पड़ाव आपके लिए अब डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, तो आपका लेवल बढ़ जाएगा। तो अपने लेवल को बढ़ाओ तब आपको फिजिक्स में मजा आएगा, लेकिन पढ़ाई को बोझ मान के नहीं पढ़ना है, अपने को मजा आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, जो जिसमें इंटरेस्ट है वो पढ़ो। नहीं लग रहा है बायो में इंटरेस्ट, नहीं लेना कुछ और करना तो कुछ और करो, लेकिन अच्छे से करो, खुशी खुशी करो, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ अच्छी होना चाहिए ना, तब तो मतलब है। जबरदस्ती डॉक्टर बन के दुखी दुखी इलाज कर रहे हो पेशेंट का, अरे कहाँ आ गया करके, ऐसा नहीं है, पेशेंट बेचारा और बीमार पड़ जाएगा, ठीक है ना। पहले खुद खुश रहना सीखो, ठीक है, और सबके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई एक अपने ऊपर नहीं लेना, कोई भी चीज़ मैं बोलूँगा वो सबके लिए बोलूँगा, ठीक है, ऐसा खड़े मत हो जाना सर मेरे को कैसे बोल दिए, ठीक है। तो मैं सबके लिए बोलता हूँ, सबको सीख देता हूँ। और जिसको सिर्फ स्कूल के लिए करना होगा वो भी मेरे पास आ जाना, टिक करवा लेना क्या क्या पढ़ना है, मैं बता दूंगा, स्कूल में भी बताते ही हैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो ऐसा अपने को हेडेक नहीं लेके पढ़ना है, बर्डन नहीं लेना है। मैं आपको डॉक्टर बनने का रास्ता बता रहा हूँ, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। आप बोलोगे नहीं सर मेरे को नहीं करना, कुछ और करना है, मेरे को पास करवा दो, तो भी मैं बता दूंगा, ठीक है, कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है बता दूंगा। ठीक है, अब ये चैप्टर बेटा आगे अब जैसे जैसे बढ़ रहा है, आपको बुकलेट मिली है, अभी तो खैर इतना नहीं हुआ है कि हम न्यूमेरिकल्स में और बुकलेट सॉल्व करें, ठीक है, एक दो क्लास होने दो, फिर मैं आपको बुकलेट्स में क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन करते जाना है, ठीक है, उसको साथ साथ आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि अब इसके बाद अब आपके टेस्ट भी चालू हो जाएंगे। अभी तक तो ऐसा कोई टॉपिक हुआ नहीं जिसमें टेस्ट हो, तो अब फिर टेस्ट एक बार चालू होगा तो फिर वो होते जाएगा, तो आपको हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ के हर टेस्ट को सीरियसली लेना है। अदरवाइज क्या होगा, आपका कोई भी टेस्ट खराब होगा ना तो वो पोर्शन ही आपका खराब हो जाएगा फिर, क्योंकि आपको अब अगले बार अगले टेस्ट की तैयारी करनी, तो आप पिछला तो कवर नहीं कर पाओगे,
ठीक है, पिछला तभी आप रिवाइज कर पाओगे प्रॉपरली जब पिछले को आप अच्छे से पढ़े होगे, ठीक है। तो इसलिए आप हर संडे टेस्ट जो भी होगा, जब भी टेस्ट होगा, आपको उस टेस्ट को ऐसा मान के देना है कि आप फाइनल एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। अगेन जो डॉक्टर मतलब जो नीट के लिए अच्छा करना चाह रहा हूँ उसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज हल्का फुल्का भी दे दोगे तो ठीक है, लेकिन है ना बेटा, बर्डन नहीं लेना। बच्चे आजकल ना बहुत बर्डन ले रहे हैं, इसलिए टीचर को थोड़ा ये सब बोलना पड़ता है। तो जो बर्डन लेते हैं ना, उनको भी मैं समझा रहा हूँ कि टेंशन नहीं लेना है, है ना। आराम से आप पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप कुछ और भी चूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन डॉक्टर बनने का रास्ता है तो वो बता रहा हूँ कि उसके लिए आपको मेहनत लगेगी। आपको डेली का, अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आप डेली का 12 to 14 hours आपको स्टडी में देना है, इंक्लूडिंग स्कूल। स्कूल अगर आपकी 6 hours हो जा रही है तो फिर आपको 6 hours पढ़ाई में देना है, जिसमें से अगर 3 hours आपके कोचिंग में जा रहे हैं तो मिनिमम आपको घर में 3 hours तो पढ़ना ही है डेली। फिर सैटरडे संडे में जिस दिन छुट्टी मिल गई, एक आध दिन अटेंडेंस अगर मैनेज कर सकते हो, 75% चाहिए ना, तो हफ्ते में एक आध दिन गोल मार सकते हो, ठीक है। जिस दिन लगे उतना इंपॉर्टेंट पीरियड नहीं है, उस दिन गोल मार के पूरा दिन भर पढ़ दो, 8 से 10 घंटा पढ़ लो। संडे को अपना क्या काम होना चाहिए, संडे को टेस्ट के पहले अच्छे से पढ़ के आओ, बढ़िया सुबह जल्दी उठ जाओ 6 बजे से, टेस्ट तक बढ़िया पढ़ो। टेस्ट देने के बाद घर जाके थोड़ा 1-1.5 घंटा सो जाओ, रेस्ट कर लो। उसके बाद उस दिन मेनली जो हमारा काम होगा वो टेस्ट पेपर को एनालाइज करना होगा। क्या होगा? टेस्ट पेपर को एनालाइज। क्योंकि जब तक हम टेस्ट पेपर को एनालाइज नहीं करेंगे, हमको हमारी गलती समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो जो पेपर जो क्वेश्चन आपको बढ़िया से बन गया उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसमें थोड़ा डाउट है उसमें आप रेड मार्किंग कर सकते हो, ठीक है। जो डाउट था जो आप नहीं बना पाए, लेकिन जो आपसे बन गया उसमें येलो मार्किंग कर सकते हो, ठीक है। रेड मार्किंग का मतलब डाउट भी था और घर जाके भी नहीं बना पाए, मतलब नहीं समझ में आया, तो रेड मार्किंग को टीचर से पूछना है, समझ में आ रहा है। लेकिन कई क्वेश्चन क्लास में नहीं बनते, घर जाके कॉपी पलटा के या सर्च करने से बन जाते, तो वो क्वेश्चन येलो मार्किंग रही, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट किया था, लेकिन फिर वो आपसे बन गया। इसका मतलब येलो मार्किंग और रेड मार्किंग क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब आप रिवाइज करोगे तो फिर अब आप जो येलो और रेड मार्किंग वाले क्वेश्चन है वही बनाओगे, क्योंकि बाकी मतलब वो प्रायोरिटी से बनाओगे, क्योंकि बाकी तो आपसे अच्छे से बन गया था। येलो को बनाओगे फिर रेड भी आप बनाओगे। तो जब भी बेटा आप अपने डाउट्स को तुरंत क्लियर करते हो तो उस टाइप के डाउट्स के क्वेश्चन आपसे हमेशा के लिए क्लियर हो जाते हैं, फिर वो कभी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आप उसको पेंडिंग करोगे ना तो वो आपको बार बार परेशान करेगा। तो इसलिए टेस्ट के दिन का क्या अपना रूटीन रहेगा कि आप घर जाओगे, टेस्ट पेपर को एनालाइज करोगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। खासकर ऐसे क्वेश्चन को जो आपसे नहीं बने थे, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं बने थे उनमें या तो येल्लो मार्किंग होगी या तो रेड। येल्लो मार्किंग उसमें होगी जो क्वेश्चन आपसे बन गया घर जाके, और रेड मार्किंग उसमें करोगे जो आपके लिए डिफिकल्ट है, जो आपसे घर में नहीं बना है, वो क्वेश्चन आपको टीचर से पूछना है। और फिर अगर वो हो जाएगा तो फिर उसमें टिक कर देना कि ये रेड मार्किंग, तो लेकिन उसका मार्किंग को येल्लो मत कर देना फिर, ठीक है। वो रेड था वो आपको रेड ही दिखना चाहिए, और वो टिक हो गया मतलब अब वो क्लियर हो गया डाउट। जब तक टिक नहीं लगा है मतलब वो डाउट क्लियर नहीं हुआ है, समझ में आ रहा है। तो अपने को क्या क्या करना है बेटा, मैं आपको अभी से इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको करना क्या है वो डायरेक्शन समझ में आए। पहला, डेली क्लासेस आना है, ठीक है। दूसरा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। डेली क्लासेस आना है, डेली सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। टेस्ट को बहुत सीरियसली लेना है, ऐसा लेना है जैसे आप मेन एग्जाम दे रहे हो। तब जब आप मेन एग्जाम दोगे ना तो आपके लिए रूटीन में आ जाएगा, ये तो मैं पहले भी किया हूँ, ठीक है ना। आप अभी कुछ नहीं करोगे, बाद में जाके डायरेक्टली मेन एग्जाम दोगे ना तो हाय हाय हो जाएगी, ठीक है। तो क्या क्या करना है बोलो, घर जाके अच्छे से पढ़ोगे, क्लास तो डेली आना ही है, घर जाके अच्छे से पढ़ना है। कुछ क्लास में समझ में नहीं आया तो रिकॉर्डिंग से देख लेना, फिर आपको टेस्ट है ना, आपको बुकलेट्स मिलेगी, आपको जो क्लास में टॉपिक्स हुए हैं उससे रिलेटेड बुकलेट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते चलना है। कॉपी के क्वेश्चन तो आपके 100% होने ही चाहिए क्लियर, बुकलेट्स के क्वेश्चन होने चाहिए और टेस्ट के क्वेश्चन, ये तीन अगर आप कर लोगे तो और कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या क्या? कॉपी के क्वेश्चन अच्छे से, बुकलेट्स के क्वेश्चन और टेस्ट के क्वेश्चन, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और इधर उधर यूट्यूब के उधर उठा के कुछ भी उठा के क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, नहीं, हम उतना ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपको स्कूल में भी काम आए और नीट में भी काम आए। अब बेटा जेई तो हम लोग पढ़ा रहे नहीं, पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ देखोगे सारे बच्चे जो है नीट के ही है। क्यों? चाहे तो फिजिक्स में जेई के भी बच्चों को बिठा सकते हैं, है ना। या एक आध अगर कोई बहुत जिद करके बैठ जाता है तो भी हम जेई बोलते ही नहीं, क्योंकि हम नीट पढ़ाते हैं, वो चीज़ उसको भी क्लियर होती है। तो हम नीट
इसलिए नीट बोल रहे हैं क्योंकि बेटा हम 10 साल से इसी पे काम कर रहे हैं नीट में, ठीक है। और हमको नीट का सिलेबस पता है, नीट का पैटर्न कैसे आता है वो पता है, जेई का पता है। जेई का बहुत अलग होता है, थ्योरी वही है लेकिन जेई में क्वेश्चन का लेवल अलग होगा, क्वेश्चन का पैटर्न अलग होगा, नीट का अलग होगा, इसलिए हमने नीट बोला है, ठीक है। ताकि आपको स्कूल लेवल और नीट लेवल ये दोनों करवाया जाए, हम जेई के क्वेश्चन से आपको इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाएंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन लगेगा जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जरूरी है वो बताएंगे, लेकिन रेगुलरली और आपको यूट्यूब में अदर बुक्स में आपको जेई के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिर आपसे नहीं बनेंगे तो आप फिर फ्रस्ट्रेशन में होंगे। इसलिए हम जितना आपको क्वेश्चन दे रहे हैं उतना ही बनाना है, हमको पता है कि वो क्वेश्चन आपके लिए इररिलेवेंट है, समझ में आ रहा है ना। तो आपको वही करना है जो बुक्स में दिया है, अपनी बुकलेट में दिया है, टेस्ट पेपर में दिया है और कॉपी में दिया है, समझ में आया क्या, क्लियर है ये पॉइंट। तो ये अभी से ध्यान रखो बेटा, इसमें अपने को कोई छूट नहीं होना चाहिए अगर डॉक्टर बनना है तो। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम, यूनिट कन्वर्जन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन ये मैंने हेडिंग डलवा दिया है, ये नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू होगा, ठीक है। आज तक का पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लो, अब नेक्स्ट क्लास में जो होगा हमारा वो मेनली समझ लो।